खेती था यहाँ पे, यही था तुम लोग का खेती ना। क्या लगाया था? मूला लगाया था, सब डूब गया ना। अब क्या करोगे? हाँ कुछ नहीं। है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी पानी में हूँ, और पानी में क्यों हूँ ये भी मैं बता देता हूँ। हम लोग का यहाँ पर खेती था और अभी खेती पानी से डूब चुका है। हम लोगों का फसल सब बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे 5 लाख का हम लोग का कम से कम यहाँ पर फसल था, वो सब बर्बाद हो गया। और सामने में आप यहाँ पर घर भी देख सकते हो, वो भी पानी में अभी डूब रहा है। तो मैं आपको सामने से दिखा दे रहा हूँ वो घर को। और गाइस, आप सामने में देख रहे हो सब बच्चे लोग है, यहाँ पे मछलियाँ मारते हैं। आज मछली मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हाँ मछली नहीं मिला। तो गाइस, आप यहां पर देख सकते हो ये ऊपर में लगा हुआ है बॉल और नीचे में पानी, और कुछ दिन में ये भी सब डूब जाएगा। तो आप सोच सकते हो अगर एक किसान का खेती डूबता है तो कैसा लगता है किसान को। और गाइस, आप लोग यहां पर देख सकते हो यहां पर मूला लगाया था और मूला भी बर्बाद हो गया पानी से। और यहां पर बच्चे आ रहे हैं, बच्चे से पूछते हैं, इनका ही खेती था तो पूछते हैं। खेती था यहाँ पे, यही था तुम लोग का खेती ना। क्या लगाया था? मूला लगाया था, सब डूब गया ना। अब क्या करोगे? हाँ कुछ नहीं। सामने में यहाँ पर देख रहे हो ना, एक पक्षी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और वहाँ पे देखो पानी के बीच थोड़ा सा बचा हुआ है मिट्टी, वहाँ पे बहुत सारा बकरी है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी देखो, ये सब आप सामने में देख रहे हो, ये सब हम लोग का खेती यहाँ पर था और अभी सब पानी से डूब गया है। तो गाइस, अब मैं कुछ बोला नहीं चाहता क्योंकि हम लोग का खेती डूब रहा है और बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो यहीं पे हम लोग ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।